चींटी और हाथी। रानी चींटी बहुत मेहनती थी। सभी चींटियां रानी चींटी की बात को मानती थी। मिलजुल कर वे अपना घर बना रही थी। उसी जंगल में अप्पू नाम का एक हाथी भी रहता था, जो बहुत शैतान था। वह सभी जानवरों के साथ बहुत मस्ती करता था। जब चींटियों का घर बनकर तैयार हो गया, तब वे अपने लिए खाना जमा करने लगी। तुम लोग इतनी मेहनत क्यों करते हो? कितना थक जाते होंगे। मैं अपनी सूंड से तुम्हारे घर को कभी भी नष्ट कर सकता हूँ। ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसा कहकर अप्पू ने अपनी सूंड में पानी भरना शुरू किया। कुछ पानी पिया और कुछ चींटियों पर डाला। रानी चींटी को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, हम बहुत दिनों से इतनी मेहनत कर रहे हैं अप्पू, पानी डालकर हमारी मेहनत को बर्बाद मत करो। मैं जो चाहूं कर सकता हूं। तुम बहुत घमंडी हो अप्पू। हम सभी जानवर को मिलजुल कर जंगल में रहना चाहिए। हम सब एक दूसरे के काम आ सकते हैं। तुम इतनी छोटी चींटी, तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। कुछ दिनों बाद जंगल में एक शिकारी आया। उसने अप्पू को पकड़ने के लिए जाल फैलाया और अप्पू उस जाल में फंस गया। तभी रानी चींटी की नजर शिकारी पर पड़ी। उसने अप्पू हाथी की जान बचाने की सोची। वह अप्पू के पास गई और बोली, अप्पू दोस्त, घबराओ नहीं, मेरा दोस्त चूहा तुम्हारा जाल काट देगा और इस शिकारी को तो मैं मजा चखाती हूँ। सभी चींटियाँ शिकारी के पास गईं और उसे जगह जगह काटने लगी। शिकारी डर से तिलमिला उठा और जंगल छोड़कर भाग गया। चूहे ने अप्पू का जाल काट दिया। अप्पू ने चींटियों से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो चींटी रानी, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। आज से मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। एक घने जंगल में एक पेड़ पर कालू कौवा अपना घोंसला बनाकर रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था। एक दिन कालू जब भोजन की तलाश में गया, तो पीछे से सांप ने उसके अंडों को खा लिया। जब कौवा वापस अपने घोंसले में आया, तो अपने बच्चों को ना पाकर बहुत उदास हो गया। कौवे को सांप पर शक भी हुआ और उसने फिर सांप से पूछा, भाई सांप, क्या तुमने किसी को मेरे घोंसले की तरफ आते देखा? किसी ने मेरे अंडों को खा लिया है? नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे किसने खाए। कुछ समय बाद फिर से ऐसा ही हुआ, पर इस बार कौवे ने सांप को अपने अंडे खाते हुए पकड़ लिया। अच्छा, अब समझ आया, तुम ही मेरे अंडों को खा जाते हो। मुझे तुम पर पहले ही शक था, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, मेरे अंडों को खा गए? मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे अंडों को खा लिया। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहकर सांप अपने बिल में चला गया। कालू बहुत उदास हो गया और उसने सांप से बदला लेने की सोची। फिर वह उड़ता हुआ राजा के महल की तरफ चला गया। तभी उसकी नजर महारानी पर पड़ी, जो तालाब में स्नान कर रही थी। महारानी के कीमती जेवर तालाब के किनारे पड़े थे, जिनकी निगरानी उनके सिपाही कर रहे थे। कालू कौवे को एक उपाय सूझा। वह एक लंबा सा हार अपनी चोंच में फंसाकर उड़ने लगा। सभी सैनिक कौवे का पीछा करने लगे। कालू ने चालाकी से उस हार को सांप के बिल में डाल दिया। जब सैनिकों ने बिल में डंडा मारा, तब बाहर निकला सांप, जिसके गले में महारानी का हार था। सैनिकों ने पीट पीट कर सांप को जान से मार दिया और हार ले लिया। इसी तरह कालू कौवे ने सांप से अपना बदला ले लिया। एक जंगल में एक बहुत ही खतरनाक शेर रहता था। क्योंकि वह जंगल का राजा था, इसीलिए वो कभी भी किसी को भी खा जाता। एक दिन जब राजा अपनी गुफा में आराम कर रहा था, तभी एक छोटे से चूहे की नजर शेर पर पड़ी। अरे वाह, इतना बड़ा शरीर,
इतने बड़े बड़े पंजे, इनके तो दांत भी बहुत नुकीले लग रहे हैं। शेर राजा जी का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तभी सब जानवर इनसे इतना डरते हैं। चलो गुफा में अंदर चल के देखता हूँ। जैसे ही चूहा शेर के पास पहुँचा, अचानक शेर की आंख खुल गई और उसने चूहे को दबोच लिया। अरे वाह, आज तो भोजन खुद चलकर मेरे पास आ गया, मजा आ गया। मुझे माफ कर दो राजा जी, मैं तो गलती से आपके पास आ गया। मुझे खाकर तो आपकी भूख भी नहीं मिटेगी। हो सकता है मैं आपके कभी काम भी आ जाऊं। चूहे की यह बात सुनकर राजा के मन में दया आ गई और उसने कहा, ठीक है, वैसे भी मेरा पेट आज बहुत भरा हुआ है। जाओ, मैं आज तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। और इस तरह चूहे की राजा ने जान बख्श दी। एक दिन राजा शेर भोजन की तलाश में नदी किनारे पहुँचा। वहाँ उसे शिकारियों ने अपने जाल में फंसा लिया। गुस्से में आकर शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। ये तो राजा जी की आवाज है, लगता है हमारे राजा किसी मुसीबत में है, चलो उनकी रक्षा करते हैं। चूहे ने जब शेर को जाल में फंसा देखा तो अपने दोस्तों के साथ तुरंत जाल को काट दिया और अपने राजा की जान को बचा लिया। शेर को खुला पाकर शिकारी भी भाग खड़े हुए। उस दिन के बाद से शेर और चूहा अच्छे मित्र बन गए।